Sí. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Amit, जैसा कि आप जानते ही हैं. आज की वीडियो का जो टाइटल होने वाला है वो बेसिकली ईगो लिफ्टिंग पे, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा है कि ये वीडियो एक्चुअल में इसी साल वायरल हुई थी, जो कि जिसको देख के बहुत से लोगों का बहुत दिमाग खराब हुआ, बहुत उन्हें उनके दिमाग में डर भी बैठा, बहुत कुछ हुआ. तो इसी टॉपिक पे मैं बेसिकली बात करने जा रहा हूँ. देखिए, ये जो वीडियो इन्होंने रिकॉर्ड करी थी ये बेसिकली ईगो लिफ्टिंग के चलते करी थी. अगर आप देखें कि इन्होंने इतना ज़्यादा वेट लगा रखा था अपनी लेग प्रेस मशीन पे जिसको ये लिफ्ट कर रहे हैं, और एक अपने फ्रेंड को कैमरा दे रखा था कि आप रिकॉर्ड करो, और ऑब्वियसली ये कोई सोशल मीडिया नेटवर्क पे अपलोड करने के लिए वीडियो स्टंट था जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हुआ उनके लिए. उनकी जो नी थी, नी जॉइंट था, वो डिसलोकेट हो गया. सॉरी. तो गाइस, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना. मैं भी आए दिन जिम्स में देखता हूँ और बहुत बार देखा है, बहुत टाइम से देखता रहा हूँ कि लोग काफ़ी हैवी वेट लिफ्ट करते हैं विदाउट एनी प्रॉपर फॉर्म, विदाउट एनी गाइडेंस. बहुत से बिगिनर्स होते हैं जिनको आपका मसल इतना स्ट्रांग नहीं है, आपके बोन्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी इतना इतना वेट लिफ्ट करते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस. आपने वीडियो में देखा ही है, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ गाइस इस वीडियो को. तो देखा आपने गाइस, बहुत ही डेंजरस है ये. इवन मैं इस वीडियो को जब भी देखता हूँ तो बहुत ही मतलब मेरे को बेकार लगता है. लेकिन इसमें कमी कहाँ थी? तो गाइस, सबसे पहली जो कमी थी इनकी वो ये थी कि ईगो लिफ्टिंग में आके इतना वेट लिफ्ट करना. ये अपनी मसल्स को ट्रेन करने के लिए वेट लिफ्ट नहीं कर रहे थे, ये बेसिकली एक वीडियो को शूट करने के लिए, कि मैं वीडियो को शूट करता हूँ और मैं अपने सोशल मीडिया नेटवर्क्स, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाटएवर, इस पे अपलोड करूंगा ताकि लोग देखें कि वाह, मैंने इतना इतना वेट लिफ्ट करा है, मैंने तो 500 किलो की लेग प्रेस लगा दिया, 600 किलो की, 700 किलो की, व्हाटएवर. गाइस, इट इज नॉट एट ऑल हेल्दी, इट इज वेरी डेंजरस. तो ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल ना करें. देखिए, आप जिम में जा रहे हैं, आप ऐसा वेट लिफ्ट करें जो आप अच्छे से लिफ्ट कर पाएं, जिस पे आप 10-12 रेप्स निकाल पाएं. जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, मैं उस वीडियो का लिंक दे देता हूं कि कितने बेसिकली आपको रेप्स करने चाहिए. वो रेप्स आप ऐसा वेट लिफ्ट करें जिसपे आप उतने रेप्स को निकाल पाएं विदाउट एनी सपोर्ट. मैंने देखा है लोग पहले ही रेप से सपोर्ट लेने लग जाते हैं, दूसरे ही रेप से सपोर्ट लेने लग जाते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है खास गाइस. अनटिल अनलेस यू आर अ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल लोग जानते हैं कि माइंड मसल कनेक्शन क्या होता है. जो लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं वो लोग जानते हैं. अगर वो सपोर्ट भी ले रहे हैं तो भी वो अपना एक बैलेंस बना के रखते हैं, उन्हें पता होता है कि कितना उन्हें अपनी मसल पर लोड लेना है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. लेकिन अगर आप एक बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल पे है तो आप इतना वजन लिफ्ट करिए जिस पे आप 10 से 12 रैप निकाल सकें. अब 10 से 12 रैप का मतलब ये नहीं कि बहुत इजीली निकल जाए और 10 से 12 हो गए, चलो मैंने रख दिया. चैलेंजिंग होना चाहिए, ऑब्वियसली चैलेंजिंग होना चाहिए, आप इंटेंसिटी फील होनी चाहिए आपको. ईगो लिफ्टिंग हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है. मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता गाइस. बहुत लोग कहते हैं आप वीडियो लंबी कर देते हैं, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ वीडियो में लंबी नहीं करता. आप मेरी और वीडियोज़ भी देखें तो 5 से 6 मिनट, 7 मिनट मैक्सिमम में मेरी वीडियो खत्म हो जाती है. इस वीडियो को भी मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके छोटा रखूं. तो आपको क्या करना है, आप देखिए गाइस, आप जिम में कितना वजन लिफ्ट करके आ रहे हैं उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. आप दिख कैसे हैं, आपका फिटनेस लेवल क्या है, आप हेल्दी हैं या नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. आपने बहुत हैवी वेट लिफ्ट करा और आप इंजर्ड हो गए बाद में, आप महीना 2 महीना जिम नहीं जा पा रहे, आपका मूड खराब हो गया, आपकी तबीयत खराब हो गई, उसका कोई फायदा नहीं है गाइस. तो अपनी ईगो को घर पे छोड़ दें. ये मत सोचें कि मैं इतना वेट लिफ्ट कर रहा हूँ कोई क्या देखेगा, कोई क्या सोचेगा. गाइस, अगर आप अच्छे दिख रहे होंगे, अगर आप फिट दिख रहे होंगे तो यही लोग होंगे जो आपकी तारीफ करेंगे. मुंह पे भले ही ना करें, अंदर से करेंगे, अपने दिल से करेंगे, दिमाग से करेंगे. तो वजन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आपको अपने मसल्स को ट्रेन करना है. ऐसा वेट लिफ्ट करें जिससे आपके मसल माइंड कनेक्शन अच्छा हो. फेसबुक पे आप डाल भी देंगे, लोग आपकी वाहवाही कर देंगे, 2 दिन उनको याद रहेगा, 3रे दिन कुछ नहीं रहेगा. लेकिन अगर आप इंजर्ड हो गए तो आपको कई महीनों या सालों की चपेट लग सकती है. तो ऐसा बिल्कुल ना करें. इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज यही था कि ईगो लिफ्टिंग प्लीज़ ना करें, ईगो लिफ्टिंग से बचें. ऐसा वेट उठाएं जो आप लिफ्ट कर सकते हैं, बस यही चीज़ है. और इसके अलावा कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगा. आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझते हैं. तो गाइस, अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो के एंड में कहता हूँ, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको पता चले कि ईगो लिफ्टिंग हमें बिल्कुल नहीं करनी है। ये वीडियो देखेंगे तो शायद कुछ लोगों का भला हो, उनके दिमाग में आए कि हमें ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, जो कि मैं शायद इस वीडियो की स्टार्टिंग में नहीं बोल पाया हूँ, तो मैं अब बोल रहा हूँ। इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, आई एम सॉरी, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, दिमाग खराब हो गया ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन है उसके साथ में, उसको भी क्लिक करिए, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल पाए, और ना हो सकता है आप वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर जाए, जो कि मैं नहीं चाहता कि आप करें, और आप भी आई एम श्योर नहीं चाहते होंगे। और गाइज, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो में, कि पिछले कुछ टाइम में मेरे को बहुत प्यार मिला है, और कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो मैं नहीं चाहता था हूँ, जिसके बारे में मैं फॉर श्योर मैं आगे डिस्कस करूँगा आप लोगों से। बट आप लोगों का प्यार मुझे बहुत मिला है, मेरा चैनल ने ग्रो करा है, जो लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ जितना मुझे पॉसिबल हो पाता है। शायद कुछ लोगों को मैं नहीं कर पाया हूँगा, तो उनसे मैं सॉरी मांगता हूँ, मैं उनको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और बस आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखें, इतना सपोर्ट बनाए रखें, और पार्क में वो तो ये चलता रहता है, मेरे घर के पास ही पार्क है। तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए अपनी डाइट अच्छी रखें, वर्कआउट करते रहें, वर्कआउट जिम में नहीं जाते तो भी कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहें। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।